हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और वोडाफोन आइडिया में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। आज यहाँ पे रविंदर ठक्कर एमडी और सीईओ का बयान निकल करके आ रहा है, जिसके चलते हमें तूफानी तेज़ी वोडाफोन आइडिया में दिखाई दे रही है। तो क्या क्लेरिफिकेशन किया, जो कल का कंसर्न था कि गवर्नमेंट हिस्सेदारी खरीदने वाली है, परंतु इसके ऊपर एक चौंकाने वाला बयान एमडी के द्वारा नज़र आया है, जिसके चलते आज बढ़िया रिबाउंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 10% से ज़्यादा की तेज़ी वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है। तो मैं सभी चीजों के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कल के लेवल टारगेट भी बताऊंगा कि कौन से लेवल पे कल आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर डेफिनेटली जुड़िए, यहाँ पे फ्री इंट्राडे कॉल्स, स्विंग ट्रेडिंग को कॉल्स पाने के लिए। और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी सिचुएशन किस तरह की है, उसके लिए मैं आपको गूगल पे लेकर के जाना चाहूंगा, और वोडाफोन की करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, 10% की मतलब 9.8% के आसपास की तेजी अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, इस तेजी के पीछे का जो रीजन है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको यहाँ पे न्यूज की वेबसाइट पे लेके आया हूँ मनी कंट्रोल की, और यहाँ पे मैं जो सिचुएशन है वो आपके सामने डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोडाफोन इंडिया रिबाउंड 7% एज मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कि एमडी एंड सीईओ अरविंद ठक्कर रूल आउट टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या कल सिचुएशन थी कि 35.8% यहाँ पे हिस्सेदारी गवर्नमेंट खरीद रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजर शेयर होल्डर हो जाएगा वो गवर्नमेंट हो जाएगा। यहाँ पे इक्विटी डिलीशन के लिए चलते हैं। इसके चलते यहाँ पे ये भी खबर थी कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो स्टेक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, वो हो जाएगा गवर्नमेंट का। परंतु आज एमडी और सीईओ ने बताया है कि हमने हमारा जो इंटरेस्ट निकल करके आ रहे हैं उसको ही यहाँ पे हमने इक्विटी डिलीशन के चलते यहाँ पे गवर्नमेंट को हिस्सेदारी दी है। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे इच्छुक नहीं है कि वो यहाँ पे ऑपरेशन पे कंट्रोल करे। जी हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑपरेशन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगी। यहाँ पे अभी भी वोडाफोन के ऑपरेशन प्रमोटर के हाथ में ही रहेगा, ऐसा बयान निकल करके आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं राहत की सांस यहाँ पे इन्वेस्टरों को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो एमडी का बयान है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इन ऑल माय पर्सनल इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट दे हैव बीन वेरी क्लियर दैट टू डू नॉट वांट टू रन द कंपनी एंड डू नॉट वांट टू टेक ओवर द ऑपरेशंस। मतलब कि यहाँ पे ना तो कंपनी को चलाने के लिए इच्छुक है गवर्नमेंट, ना तो उस यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इच्छुक है। ओनली वो यहाँ पे इक्विटी लेकर के अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो वसूल करना चाहती है, ऐसा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रविंद्र ठक्कर जी ने बोला है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे वोडाफोन डे में राहत की सांस आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन पे लेके जाने चाहूंगा एनएससी की वेबसाइट पे, और कारोबार की सिचुएशन किस तरह की है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे ओपनिंग 12.20 रुपए, प्रीवियस क्लोजिंग 11.80 रुपए की थी, आय 13.50 रुपए का, लो की बात करें 12 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई है 12 बजे तक की अपडेटेड सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 56.95 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 22.83 करोड़ शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 40% के आसपास की है। आपको बताना चाहिए कि जो गवर्नमेंट को हिस्सेदारी बेचेंगे वो 10 रुपए के भाव से यहाँ पे ये शेयर इश्यू किए जाने वाले हैं, जिस बात को भी आपको डेफिनेटली याद रखना है। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, कल की सिचुएशन किस तरह की है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और यहाँ पे मैं चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे चार्ट आपके सामने भी है, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद यहाँ पे लगातार गिरावट की सिचुएशन दिखी दी, और कल 22% के आसपास का फॉल भी हमें देखने को मिला, और उसके बाद आज देखे तो कहीं ना कहीं रिबाउंड होता हुआ 12% के आसपास की तेजी एक समय पर यहाँ पे दिखाता हुआ वोडाफोन आइडिया दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कल के लिए जो लेवल काम करने वाले हैं, अभी मैंने कल ही बताया था कि 13.15 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो यहाँ पे रुकआउट की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। वंस ए लेवल क्लोज करेगा तो 13.50 रुपए है, 13.50 रुपए, 13.55 रुपए का जोन क्लियर होगा, जो कि आज का हाई भी है। उसके बाद आपको 14 रुपए के दर्शन फिर से होते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी का है तो 12.50 रुपए, और 12 रुपए का जोन एक अपने आप में बाइंग की टेरिटरी है, तो 12.50 रुपए के आसपास संभलने की कोशिश करता है तो वहां पर बाई करिए, या तो फिर 12 रुपए के आसपास तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है।
वहाँ पे भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको मिलता है तो कोशिश कर सकते हो। आरएसए का लेवल अभी 46 का है, जी अभी 46 का है, जो कि यहाँ पे 18 के आसपास आ चुका था। जी हाँ, हाईली ओवरसोल्ड की सिचुएशन में से यहाँ पे उभरता हुआ मिड टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा इन लेवलों को आप वॉचआउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।